हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 14.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 33। क्या कर रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब हुज एज इज 9 सेंटीमीटर। देखिए क्या कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर एज वाले क्यूब से लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला जो कोन कटेगा उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है ना जी, वॉल्यूम निकालना है जो कि लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन होगा जिसे काटा जाएगा। इसमें से जी किसी क्यूब में से जिसका एज दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो देखो यहां से इसमें से अगर एक क्यूब काटा जाएगा तो उसका जो साइड होगा, एज जो होगा, वही एज उस कोन के बेस का डायमीटर होगा और उस कोन का जो हाइट होगा वो हाइट इसके एज के इक्वल होगा। है ना, चाहे लिख सकते हैं कि द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट ऑफ अ क्यूब whose age is 9 centimeter b the height क्या होगा इसका हाइट जो एज होगा वह एज ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। जितना इसका हाइट होगा वो किसके एज ऑफ क्यूब के इक्वल होगा। और इसका अगर रेडियस की बात करेंगे एंड रेडियस तो वो उसके साइड के हाफ होगा, यानी कि डायमीटर जो होगा इसके इक्वल होगा ना जी 9/2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन या लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन वो क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह 3.14 यूज कर देते हैं, आर के जगह पे है आपका कितना 9/2 है ना जी 9/2 और एच के जगह पे यहाँ पे है 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो 3 जा 9। अच्छा अब इसके बाद देखिए हम लोग 2 से यहाँ पे इसको काट देते हैं, यहाँ आ जाएगा 1.57। अच्छा अब तो नहीं कटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। तो 1.57 इंटू में आपका 3 इंटू में आपका 9 और इंटू में आपका 9 तो आ जाएगा 381.51 और बाई में आपका 2 सेंटीमीटर। तो जितना आया ये 381.51 इसमें डिवाइड कर देते हैं 2 से तो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 190.755 सेंटीमीटर क्योंकि अप्रोक्स में ये हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, या आपके बुक में दिया है 190.93 तो लगभग इतना ही दिया। हम लोग यहाँ पे हो सकता है 3.14 की जगह पे आपके बुक में क्या हो जाएगा 22/7 यूज कर देगा। आप देख लो ना 22/7 यूज करके देख लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना जी, तो आप जो इजी लगे आपको कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्स में वैल्यू ये भी चलेगा या ये जो मैं आ रहा है देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए 3 जा 9 और ये 11 टाइम्स में कट जाएगा 2 से, है ना जी। तो आप देखिए क्या हो जाएगा 33 और इंटू में 9 इंटू में 981 ये सब मल्टीप्लाई करेगा तो 2673 और बाय में 7 × 14 सेंटीमीटर। इसमें डिवाइड कर देते हैं कितना है जी 2673 में डिवाइड कर देंगे कितना से 14 से ना, तो आ जाएगा ये 190.9285 सेंटीमीटर क्यूब। तो अप्रोक्सिमेटली हो जाएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, हमने यहाँ 3.14 यूज कर दिया है, यहाँ 22/7 यूज करके बनाया है ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ए सिलेंड्रिकल बकेट।